क्यों भाई? जब किसी रास्ते पे तुम लोग निकलोगे तो क्या वो रास्ता फूलों से सजा हुआ रहेगा? क्या वो तुम्हारे लिए फूलों के गुलदस्ते वाले रास्ते कोई बना के रखेगा? या फिर रास्ते में आप जाओगे तो ईंट मिलेंगी, कंकड़ मिलेंगी, पत्थर मिलेंगे, तो उन सारे मुश्किलों से आपको गुजर के आगे बढ़ना पड़ेगा। कि आपको कंकर ईंट पत्थर मिल जाएंगे तो आप वहीं पे बैठ जाओगे, अपने घर को वापस नहीं जाओगे, जाओगे ना? चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आप अपने घर को लौटोगे ना? तो सेम चीज़ अप्लाई करो। मैं भी रोई हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे आप भी रोते रोते अपना आगे का भविष्य खराब कर लो। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया आज, मैंने ध्यान नहीं दिया, और आज मैंने अपने पापा के साथ एक वीडियो अपलोड कर दी, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। तो नहीं हुआ तो क्या हम लोग अब बैठ के मातम मनाएं? मातम तो नहीं मना सकते हैं ना। मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो रोना है, लेकिन ऐसा नहीं रोना है कि आगे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा, मैं ये मैं वो। मैं खुद ये सब की हूँ, इसलिए आपको मना करती हूँ। आप मुझ पे हंस सकते हो कि तुम भी एक सिचुएशन में ऐसा की थी, इसलिए मैं मना करती हूँ, क्योंकि मैंने किया था और उस कारण मुझे इतना वक्त लगा। तो आप वो मत करो। मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करो जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने किया। लेकिन आप लोग फिर वही गलती कर रहे हो, बैठ के रो रहे हो। रोने से किसको फ़र्क पड़ेगा बताओ? किसको फ़र्क पड़ेगा? घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इतना सा भी फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बेरोज़गार हो जाएंगे, यही होगा, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे, आगे कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन रोते रहोगे, बैठे रहोगे, रोते रहोगे, बैठे रहोगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी करीब रात के 9 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और आई नो कि जिनका भी आज प्रीलिम्स नहीं हुआ है, 99% बच्चे आज बैठ के अभी भी रो रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो उनके लिए बनानी चाहिए। मत करो ऐसे, मत करो, मत करो। अगर आपकी एज है, 24 है, 23 है, 25 है, 26 है, वक्त है आपके पास, यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि वक्त ख़त्म हो गया, यूटिलाइज करो उस वक्त को। अब आपको डिसाइड करना है कि ऐसा रोना आपको फिर अगले साल रोना है, या फिर इस आंसू को अपनी खुशी में तब्दील करनी है। मैंने भी रोया, 10 10 15 15 दिन मैंने वेस्ट किए हैं। मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। और 15 दिन जब बीत जाएंगे ना, तो समझ में आएगा कि काश मैं वो 15 दिन यूटिलाइज कर लिया होता। तो वही बात है कि ये जंग है, और जंग के मैदान में हम अकेले उतरे हैं, तो अकेले लड़ना है, अकेले आगे बढ़ना है। तो जब हम रोते रोते अपनी आत्मशक्ति, अपनी आत्मविश्वास खो देंगे, तो जंग के मैदान में दुश्मन हमें मार देगा। मरना नहीं है, डटे रहना है। जब तक एज है, जब तक कर सकते हैं, करना है। रोना धोना बंद करो और कल से तैयारी में लग जाओ। खाना जम के खाओ, हार को सेलिब्रेट करो और जीत का इंतज़ार करो। मैं हर बार बोलती हूँ, हार को सेलिब्रेट करो, जीत का इंतज़ार करो। है दम तुम्हारे अंदर, है वो हिम्मत कि हार को सेलिब्रेट कर सकते हो। है, नहीं होगी तो फेल हो जाओगे, अगर है तो पास होने से किसी का बाप भी नहीं रोकेगा।
मैं कोई आप लोगों की टीचर नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसेंट वर्ड्स का यूज़ करूँ, मैं आप ही जैसी हूँ, आपकी बहन हूँ, इसलिए मैं कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो बस खड़े हो जाओ, और हारता कौन है, हारता कौन है, जो कोशिश करता है, जो कोशिश ही नहीं करेगा वो हारेगा कैसे, और जो हारता है वही जीतता है, ठीक है। कोशिश जो करेगा वो हारेगा, और जो हारेगा वो जीतेगा। तो ऑल द बेस्ट, और जम के तैयारी करो, और इस आंसू का बदला तुम्हें लेना है। वादा करो कि इस आंसू का बदला तुम सब लोगे और मैं भी लूँगी।